How to fix Samsung A30S call ear speaker not hearing problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले एयर स्पीकर के बारे में। ठीक है, कॉल करते वक्त दोस्तों अगर आपके कान तक ठीक है कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहे, कॉल एयर स्पीकर काम नहीं कर रहे, ठीक है आपको आवाज़ें सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना होगा, कैसे आपको फिक्स करना है प्रॉब्लम, आज के इस वीडियो पर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। कई बार दोस्तों क्या होते हैं, हम किसी को फ़ोन करते हुए दोस्तों हमारा आवाज़ उन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होते हैं, आपको साउंड नहीं आते, आपके कॉल ईयर स्पीकर में वॉइस नहीं आते हैं, ठीक है वो काम करना बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके का प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है, यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम हुआ है तो मैं आपको कन्फर्म बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर की वजह से होते हैं कई बार, या फिर कई बार हार्डवेयर की वजह से, स्पीकर ख़राब होने की वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं। तो फिर दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, कैसे कैसे सॉल्यूशन करना है, वो सब दोस्तों आपको ये वीडियो पे जानने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है, आपको कॉल कट करना है, मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, सिम को इजेक्ट कर देना है और सिम को इंसर्ट करना है। इजेक्ट और इंसर्ट का मतलब है आपको सिम कार्ड बाहर निकाल देना है मोबाइल से और उसको दोबारा से अंदर पे डालना है, ठीक है, और मोबाइल को रिस्टार्ट भी करना है पावर बटन पर क्लिक करके। तो इतना कर लीजिए, इतना करने के बाद दोस्तों आप एक बार दूसरे नंबर पर कॉल लगा के देखिए, ठीक है, एक ही फ़ोन पे कॉल मत कीजिए, दूसरे फ़ोन पे भी आप ट्राई करके देखिए, ठीक है, अगर काम कर जाता है तो ठीक है, अगर अभी भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे कॉन्फर्म है कि आपके कॉल स्पीकर का आपके कॉल एयर स्पीकर का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या करना है, नेक्स्ट पे आपको जाना है सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट पर जाना है, एक बार रीसेट पर क्लिक करके रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है, रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पासवर्ड भर देना है। उसके बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर जाके रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है, मोबाइल पासवर्ड भरना है और इसको भी रीसेट करना है। एंड देन आपको बैक करना है, ऐप्स पर जाना है और नीचे आपको फ़ोन सर्विस मिलेगा। तो यहाँ पे फ़ोन सर्विस पे जाए एंड देन आपको क्या करना है, स्टोरेज पर क्लिक करना है, क्लियर डेटा पर क्लिक करना है, ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद आपको बैक करना है और परमिशन पर जाना है। तो परमिशन पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सारे परमिशन अलाउ कर देना है। सारे परमिशन अलाउ करने के बाद आपको डिवाइस रिस्टार्ट करके दोबारा से चेक करके देखना है, ठीक है। सारे सॉल्यूशन करने के बाद डिवाइस रिस्टार्ट करके चेक करके देखना है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है। तो लगभग दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, अगर सॉल्व हो जाता है ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप सेटिंग पर जाए, मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, लास्ट एंड फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, मोबाइल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और ये करने के बाद चेक करके देखें, सॉल्व हो जाना चाहिए आपका प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, बिल्कुल साउंड नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे सुनसान है आपका वॉइस, तो क्या कर सकते, किसी भी टेक्नीशियन के पास जाइए, क्योंकि आपका कॉल एयर स्पीकर ख़राब हो चुका है, हार्डवेयर प्रॉब्लम है, तो इसको आप खुद से फिक्स नहीं कर पाओगे। तो आपका एयर स्पीकर चेंज होने के बाद ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयरली में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने जो सॉल्यूशन बताया उससे काम बन जाएगा, लेकिन उससे नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, तो आपको और आगे सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। आप डायरेक्टली जाइए टेक्नीशियन के पास, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, टेक्नीशियन या फिर किसी भी सर्विस सेंटर पर। तो इस तरीके से दोस्तों कॉल एयर स्पीकर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।